Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are making a very easy and amazing slime. तो अब से बहुत ही अच्छे अच्छे और बहुत ही मज़ेदार slime videos आने वाले हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लो। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है बाउल। तो आज हम लोग शैम्पू स्लाइम बनाने वाले हैं, जो कि हम दो तीन स्टेप में ही बना करके जल्दी से रेडी कर लेंगे। तो अब लगातार बहुत ही अच्छे अच्छे एंड बहुत सारे स्लाइम वीडियोस आएंगे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके ऑल बटन पर क्लिक कर लिया है, बिकॉज उसी के बाद आपके मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे आप लोगों को। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड अगर आप लोगों को शार्ट आउट्स नेम चाहिए, तो शार्ट आउट्स नेम के लिए प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। एंड शार्ट आउट्स में आप लोग अपने नेम दे सकते हैं। तो अभी हमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट लेना है कलर। तो मैं यहाँ पर वाटिका शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, जो कि ग्रीन कलर का होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर लिया है। सो लेट्स मिक्स दिस प्रॉपरली। तो आप देख सकते हैं ये शैम्पू में हमने कलर जैसे ही मिक्स किया ये थोड़ा सा थिक हो गया है, बिकॉज मे बी थोड़ा सा शैम्पू के साथ कलर रिएक्ट करता होगा इसी वजह से। ओके, तो हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से शैम्पू एंड कलर को मिक्स कर लिया है। तो अभी हमारे यहाँ पर जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट होने वाला है वो है फेविगम। तो आप यहाँ पर कोई भी क्लियर ग्लू यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये फेविगम यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज़ ये भी एक तरीके का क्लियर ग्लू है। तो चलिए इसे अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेते हैं। तो ग्लू डालने के बाद आप देख सकते हैं थोड़ा सा थिन हो गया है। ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू एक्टिवेट अवर स्लाइम। तो हम यहाँ पर एक्टिवेट करने के लिए कोई भी होममेड एक्टिवेटर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर होममेड एक्टिवेटर यूज़ किया है, जो कि आपको मेरे प्लेलिस्ट पर बहुत सारे होममेड एक्टिवेटर की रेसिपीज मिल जाएंगी। तो आप यहाँ पर तरह तरह की बहुत सारी होममेड एक्टिवेटर बना सकते हैं। तो प्लीज़ गो ऑन माई चैनल एंड क्लिक ऑन प्लेलिस्ट, एंड वहाँ जाकर आप देख सकते हैं होममेड एक्टिवेटर रेसिपीज। तो थोड़ा थोड़ा सा अभी हमारा स्लाइम रेडी हो गया है। तो अभी ये थोड़ा सा स्टिकी है, इसे नॉन स्टिकी अभी हम करने वाले हैं। तो नॉन स्टिकी करने के लिए हम क्या करेंगे, तो वीडियो को देखते रहिए। तो अभी हमने ये वापस से बाउल ले लिया है, एंड उसमें स्लाइम रख करके अभी हम यहाँ पर वाटर डालेंगे। एंड वाटर से हम अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे स्लाइम को, बिकॉज हमने शैम्पू से स्लाइम बनाया है, इस वजह से वो थोड़ा सा फेन आ रहा है, उसमें बबल्स क्रिएट हो रहे हैं, तो इसे हमें अच्छे से वाटर से वॉशअप कर लेना है। सो लुक एट दिस, कितना अच्छा सा हमारा स्लाइम दिख रहा है। तो इसी तरीके से हम एक दो बार अपने स्लाइम को वॉश कर लेंगे, एंड देन हमारा बहुत ही प्यारा एंड अमेजिंग सा स्लाइम रेडी हो जाएगा।
तो देखिए हमारा स्लाइम रेडी है। कितना प्यारा लग रहा है स्ट्रेचअप करने के बाद। इसका जो कलर है वो बहुत 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 अच्छा लग रहा है मुझे। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड शाउट आउट्स के लिए अपने नेम दे दीजिए। एंड नेक्स्ट गिव अवे चैनल पर जल्दी आने वाला है, तो प्लीज़ कंटिन्यू वीडियो को वॉच करिएगा। अब आपसे रेगुलर वीडियोज़ भी आएंगे एंड गिव अवे भी। सो टेक केयर, बाय बाय।